Mr. Gupta, what I want to understand is that the Cine Association has asked for a special investigation in this case. What is it that you're looking at? Because it's such a tragic, terrible death. How is the association ensuring that the voice of these young actors in this case is ensured and acknowledged and that the family gets justice, sir? मैं आपको कहना चाहूंगा पूरे भारत के इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि चालू शूटिंग के दौरान उस दौरान जब आत्महत्या हुई है 500 से 600 लोग काम कर रहे थे सेट के आसपास और ऑलरेडी 4-5 सीरियल के सेट लगे हुए थे, सबकी शूटिंग चालू थी। आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी और मैं 20 साल की उम्र में इनका आत्महत्या करना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है क्योंकि उनका भविष्य बहुत ब्राइट था। और मैं सेट पे जाके लोगों से मिला हुई हादसे के बाद, वहां के लोगों से मिला, वहां के वर्कर से मिला, कलाकारों से मिला, वहां के स्टूडियो के लोगों से मिला, सभी ने एक ही बात कही कि तुनिशा शर्मा का जो नेचर था वो डाउन टू अर्थ था, वो लोगों से अच्छे से रहती थी, स्वभाव अच्छा था, वो सुसाइड नहीं कर सकती है। और वो जब ये घटना आफ्टर में हुई वो अपने मेकअप रूम में गई, लोगों को कहती कि मैं आराम करने जा रही हूँ, फिर 2 घंटे तक वो अंदर थी लोगों का कहना वहां, और रोप के ऊपर जो एक पुशअप करते रोप के ऊपर वो लटकी हुई पाई गई, फिर उसे बाहर कहते हैं कि बाहर निकाला गया और उसे हॉस्पिटल लेके गया, उसके आधे घंटे बाद पुलिस को बात पता चलती है। इसलिए हमने तीनों एंगल से देखना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में डिप्रेशन वर्ड यूज करके पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, ये गलत है। ये आप सुसाइड भी हो कह नहीं सकते, इसे आप सुसाइड के लिए हो या धमकी ब्लैकमेलिंग करना टॉर्चर करना बहुत सारे एंगल या मर्डर हो, ये हर तरह से एंगल है। अभी लोग सुसाइड वर्ड यूज करके ये इजी हो गया बॉलीवुड में, आप देखोगे एक सुसाइड यूज करके मामले को रफा दफा करते, लेकिन इसकी तह तक नहीं जाते। इसके हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से जांच की मांग की, एसआईटी की गठित की कि एसआईटी जल्द से जल्द गठित करे और हाई कोर्ट के अंदर निगरानी हो उसकी, और उनकी माँ का आपने वीडियो देखा होगा वो इंसाफ की गुहार लगा रही है अपनी बेटी के लिए। श्री महाराष्ट्र सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया। आप एक्टर का नार्को टेस्ट करवाइए सर, सामने आने दीजिए ना, ये डर का जी। सुरेश श्यामलाल गुप्ता, आप ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो आप कह रहे हैं जी, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ सुसाइड बोलकर आत्महत्या बोलकर इसको रफा दफा नहीं करें, इसमें और भी आपको लग रहे एंगल हो सकते हैं। आप किस तरह से एसआईटी चाहते हैं? आप चाहते हैं सरकार को बोलना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, चुप ना रहे? क्योंकि मैंने कहा ना उनका फ्यूचर ब्राइट था और हमने सब जगह सेट पे जांच की, पता किया लोगों से कि ये सुसाइड नहीं कर सकती है। अब एक 20 साल की लड़की कोई बच्ची नहीं है, वो मैच्योर्ड है और एक सीरियल की लीड एक्ट्रेस अली बाबा की, वो सीरियल की टीआरपी उससे चलती है और सुसाइड कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई भी आगे सुसाइड कर ले, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है सोचने वाली। तो इसके लिए आप सुसाइड से एक पार नहीं सकते हो, इससे आपको सब एंगल से देखना होगा, मर्डर से भी और सुसाइड से उकसाना हो। मैंने हीरा अंदरी हॉस्पिटल किडनी जाकर एक्सपोज किया था 2016 में, उसमें आई विटनेस का मर्डर करवा दिया गया और ये सुसाइड दिखाया गया, रिपोर्ट में सुसाइड रिपोर्ट आई है, लेकिन उसका मर्डर करवाया गया था, उसे घुटने रस्सी से टंगाया गया था, उसका घुटना जमीन पे था, मेरे सीडियन के अंतरिम माइंड के लिए कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे पता है पर्सनल, मैं ऑलरेडी लोगों के लिए लड़ता हूँ, मैं बहुत बारीकी सी बात कर रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं, मैं महाराष्ट्र सरकार से यही बात करना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द निर्णय लें, क्योंकि पूरे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बात है, यहाँ फीमेल कलाकार एक्टर्स एक्टर्स मॉडल्स छोटी कलाकार ऐसा डर का माहौल है सेट पर कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। आप जो भविष्य में जो फिल्म इंडस्ट्री में जो कलाकार आएगी, सुरेश जी आपके, क्योंकि सिने वर्कर्स एसोसिएशन में बहुत लोग जुड़ते होंगे, यंग एक्टर्स, हर तरीके की प्रॉब्लम होती है, आसान प्रोफेशन तो ये है नहीं, और अगर यंग एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उनपे प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा रहता है और हर तरह की प्रॉब्लम्स होती होंगी, तो किस तरह से एसोसिएशन इसको संभाले, इसके लिए आगे सोल्यूशन ले कि कोई भी एक्टर किसी भी तरह की प्रॉब्लम लेकर अगर उनके पास आता है तो एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक मदद के लिए एक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए। तो अभी सिने वर्कर्स की तरफ से सेट पे घटना घटी और हमारी मेंबर है वो, इंडस्ट्री की हमारी फैमिली मेंबर है वो, और केंद्र सरकार को एक काउंसिलिंग बनाना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के लिए आप देखोगे ना कोई भी कमेटी फिल्म इंडस्ट्री की नहीं बनाई गई है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, कभी इससे बाहर नहीं जाया जाता है। तो महाराष्ट्र केंद्र सरकार को एक काउंसिलिंग कमेटी बनाना चाहिए और एक डिपार्टमेंट पर्सनली फिल्म इंडस्ट्री के बताना चाहिए कि कोई भी इसमें आकर अपनी बातें कर सकता है, उनकी बातों को प्राइवेट रखा जाए, क्योंकि हीरोइन होना ये एक ग्लैमर, मतलब तो इनका नाम होता है, ये सामने आने को डरती है, ये अपने दिल की बात नहीं बता पाती लोगों से। तो केंद्र सरकार को कमेटी पूरे इंडिया लेवल पर फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बनानी चाहिए, फिल्म का काउंसिल करे, वो बेहिचक वहां जाके अपने बारे में बताए और उनके जो उनकी जो बातें गुप्त रखा जाए,
तो मैं ये आपके चैनल से मैं मांग करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये फिर से कहना चाहता हूँ कि एक और प्रोड्यूसर वर्मा हम देखना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी एक्टर किसी भी वजह से अपनी जिंदगी खत्म ना करे। हमारे साथ बने रहिए सुरेश। मैं चाहती हूँ एक रयाल अबीब है, जैसे आप बात उठा रहे हैं, रयाल अबीब ने जो अक्यूज है शीजान खान, उनके बारे में काफी कुछ शॉकिंग बातें कही हैं और ये स्टेटमेंट आ रही है, तो ये जरा हम सुनते हैं रयाल अबीब, वन ऑफ द पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, व्हाट हैज शी सेड, लिसन इन। शीजान खान वो एक साइड से अपने प्यार को तुनिसा को धोखा दे रहा था, उसका बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था, डेट कर रहा था, सेक्सुअल रिलेशनशिप था, और जिससे तुनिसा बहुत ज्यादा डिप्रेस होती थी। सुरेश श्यामलाल गुप्ता कंटिन्यूज टू बी विद अस, इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन। तो देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम ज्यादा ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते जो बिल्कुल बैक्ड बाय एविडेंस नहीं है, लेकिन जो लोग हैं आसपास वो उठ उठ के आ रहे हैं, कॉमेंट्स दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है किसी तरह का दबाव था क्या? तुनिशा शर्मा एक 20 साल की यंग वुमन है, लड़की है एक तरह से अभी, लेकिन प्रोफेशन में काफी टाइम से रही है। लोग कह रहे हैं प्रोफेशन में तो बहुत मच्योर थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लंच करती है शीजान के साथ और 15 मिनट के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है? मैं सेट पे मुझे जो हादसा हुआ, 26 को सुबह 10 बजे सेट पे था, 5 घंटा मेरे वहां लोगों से पूछा है, लोगों ने यही कहा है कि तुनिशा सुसाइड नहीं कर सकती है, वो बहुत मैच्योर थी, लोगों से अच्छे से बिहेव करती थी, हमेशा अच्छा चेहरा था उसका और उसके ड्रीम बने थे और फ्यूचर भी बहुत अच्छा जा रहा था, तो किसी भी एंगल में ये सुसाइड कह सकते हैं हम, किसी भी एंगल में। तो लोगों से कहना था, तो इसके लिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, एसआईटी गठित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी डिप्रेशन बहुत ज्यादा, ये मामले को जितने भी साफ देखिए ना, सुसाइड कह सकते इंडस्ट्री में 2-3 साल में कई बार हुई है, एक सुसाइड एक डिप्रेशन वर्ड ला के मामले को रफा करते, लेकिन अब नहीं, अब दूसरी तुषा वर्मा हम नहीं चाहते इंडस्ट्री में, लोगों को डर का मामले खत्म करना होगा, एसआईटी गठित सरकार करे और हाईकोर्ट के अंदर इसकी निगरानी करे, हाईकोर्ट के जज इनकी निगरानी करे, उसके अंदर एसआईटी गठित हो, अगर उनकी मां कह रही है तो नार्कोस टेस्ट आज तक किया जाए, सच बाहर आए और तुनिशा वर्मा सुसाइड नहीं कर सकी, पूरे सेट और पूजे उनको जानते हैं और जो उनके आसपास के लोग हैं सबका यही कहना है, और मुझे कई फीमेल कलाकार के फोन आए कि सुरेश जी सेट पे ये डर का माहौल हो गया है कि हमारे साथ ये घटना ना घटे, हमारी भी सेफ्टी का क्या, 2 लाख करोड़ रुपया साल का रेवेन्यू गवर्नमेंट को देती है सरकार, लेकिन एक भी सेफ्टी के लिए सरकार इसको फिल्म इंडस्ट्री का यूज नहीं करती, चाहे फीमेल कलाकार हो चाहे के वर्कर्स हो, तो लेकिन सरकार को लेना होगा, 3-4 सालों में आप देखोगे जितने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों ने सुसाइड की है। सुरेश श्यामलाल गुप्ता जी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड लेके यस दैट यू आर सेइंग, ही इज द ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट, ही यस आई वांट टू थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, बट ही इज सेइंग डोंट जस्ट ब्रश अवे एवरीथिंग सिंपली दैट देयर इज डिप्रेशन, इफ देयर इज व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर इट, हाउ कैन द गवर्नमेंट नॉट फॉर्म एन एसआईटी इन दिस केस एंड देयरफॉर इन वे ऑल्सो एंश्योर हेल्प टू अदर एक्टर्स who could be going through any similar situation, they can approach for help and ensure that their words can remain confidential, but they can get help just in time. Important points there. We can only hope that more justice now can come for the family members of Tunisha Sharma.